पाकिस्तान को जो 18 बिलियन डॉलर की जो फाइन लगी है वो ईरान ने आखिरकार क्यों लगाया और पूरी दुनिया क्यों खौफ खा रही है पाकिस्तान से? फ्यू सीरियस थिंग टू नो अबाउट इट। पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा बुरी है और वो इतने ज्यादा कर्ज में है सो दैट वो अपने यूरेनियम की स्मगलिंग यानी न्यूक्लियर वेपन बेचने पे उतर आया है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन भी है एंड दैट इज 1880 किलोमीटर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसका काम है ईरान में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस पाकिस्तान को प्रोवाइड करना। और इस पाइपलाइन की डेडलाइन थी 2014 तक। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट ईरान ने डील के मुताबिक अपने हिस्से की 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑलरेडी बना दी, पर पाकिस्तान में ये शुरू ही नहीं हुआ। यही नहीं, डील फिर से साइन हुई 2019 में और डेडलाइन को 10 साल आगे शिफ्ट कर दिया गया। एंड अगेन सेम थिंग, पाकिस्तान की काम फिर से शुरू नहीं हुई। फिर क्या, ईरान ने नोटिस सेंड किया और एक अल्टीमेटम जारी कर दी दैट पाकिस्तान या तो फिर प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करे या फिर 18 बिलियन डॉलर की फाइन भरने को तैयार हो। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पास हार्डली 4 से 5 बिलियन डॉलर ही है, फिर वो इस रकम को पे कैसे करे? एंड आई थिंक यही रीजन है दैट पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को भी यहाँ पे बेचने को रेडी हो रहा।